बाद खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने मुरासला जारी कर दिया है। जमहूरी से इमरान खान को घर भेज दिया गया। दिल्ली के अदम एतमाद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों गुस्साखी हो गए। मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता, मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। नून लीग वाला भी कोई नहीं है। अगर तारीख में लिखा जाएगा कि दुनिया में एक ऐसा लीडर भी था जिसको खरीदने के लिए दुनिया की दौलत कम पड़ गई। इमरान खान के जाने से ऐसा काम में नठाल हुआ है कि दो से तीन दिन हो गए हैं सत्ते की हालत में। इमरान खान ने आके हम कबाइली आवाम को शऊर दिया, हमारे पर वो ड्रोन हमले होते थे। होती नहीं जो कौम हक में यकीना, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं हुआ। Absolutely not. मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पर निकल के बताया है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। इमरान खान वजीर आजम बने, कोई ड्रोन अटैक हुआ एयर फोर्स को कम करके उस ड्रोन को नीचे गिरा दे। फोर्स हमें दे या ना दे, मैं सारे पाकिस्तानियों से बात करूं, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोगों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना। आपने तो गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर ले। वक्त साबित करेगा जो महसूस ये है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हूँ। सच पूछे तो इमरान खान की असली स्ट्रगल असली रस्ते पर आज शुरू हो। आए गरीब इनको नहीं पता देगा। कभी किसी के सामने झुका हूं सवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। आदमी है, खुद भी आजाद रहता है और लोगों को भी बरगलाता है, उनको भी कहता है कि आजाद हो जाओ। गोरी चमड़ी वालों के काले जूते पॉलिश नहीं कर सकता। कहता है कि मेरे लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारे लोगों की जान कीमती है। जिद करता है, अड़ जाता है कि मैं कमतर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अड़ जाता है, जिद करता है। अजीब आदमी है, कहता है कि मेरे लोगों का खून कीमती है, मेरे लोगों का खून बहा है, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे लोगों को खराज तहसीन पेश करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कहता है अड्डे नहीं दूंगा, फिर कहता है तुम्हारी जंग नहीं लड़ूंगा। अजीब आदमी, कहता है डूमोर को नहीं समझ आती मुझे क्या है, अगर ड्रोन आया तो मार के गिरा दूंगा। क्या आदमी है, अजीब आदमी। अमेरिका को कहता है तुम्हारी पॉलिसी गलत है, वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी गलत है, उसको कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है, उसकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकता है, उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है, वहां तो पर्ची चलती है। बैठी बैठी बातें करता है, कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पढ़ दिए हैं तो फिर चूंटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंगते हो। ऐसी अजीब अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। ये क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करे। ये कहता है, गुलामों को आजादी के ख्वाब दिखाता है, अपने मुल्क का लिबास पहनता है, अपने कल्चर और अपने मजहब के ऊपर फख्र करता है। अजीब आदमी है, बहरों से बात करता है, अंधों को रोशनी दिखाता है। हटाओ इसको, ये कौन है, निकालो इसको, ये सबको खराब कर रहा है।